तो फ्रेंड्स ये देखिए राजमा को मैंने भिगो दिया था सुबह ही, और ये कम से कम 6 से 7 घंटे भिगो। अब इनको मैं रखूंगी बॉयल होने के लिए। इसमें अब हम डालेंगे 1 लीटर करीब पानी। इसमें मैंने देखिए डाल दिया 2 बड़ी इलायची, ये दालचीनी और एक तेज़पत्ता। फिर बंद कर देंगे कुकर को। देखो बस अब इसको चला देंगे 4 से 5 सीटी आने तक। और इसमें इधर से देखो गरम गरम पानी मैंने डाल दिया इसमें, ये भीगा। और इधर देखिए मैंने 2 टमाटर ले लिया जिसमें से अंदर की बीज को मैंने निकाल दिया है, और इसको इस तरह से रफली एकदम चॉप कर लें बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ये सब्ज़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें लहसुन और प्याज कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। तो ये देखिए ये हो गया, और इसको आप डाल लीजिए एक जार में मिक्सी वाले, और ये अदरक का टुकड़ा। ठीक है, और ये थोड़े से, और ये थोड़ी सी हरी धनिया। देखिए दिखाओ, अब इसमें से देखिए राजमा हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। इसमें से थोड़ा सा राजमा निकाल लेंगे, राजमे को डाल देंगे अपने धनिया पाउडर, ये पाउडर, चिया पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल। तो बिल्कुल हमको इस तरह से देखिए फाइन पेस्ट चाहिए। हम डालेंगे 2 चम्मच करीब इस पे, डाल देंगे नमक। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें मसाला मेरा भून के रेडी हो गया। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स कि आप सभी के साथ बिना लहसुन और प्याज की राजमे की सब्जी जो है मैं अपनी रेसिपी शेयर करूं, और मैं बना भी रही थी। मैंने कहा आप सभी के साथ शेयर करती हूं, इस समय नवरात्रि चल रहा है तो आप सब के यहाँ भी होगा बिना लहसुन प्याज की ही चीज़ें बन रही। तो बस मैं जितनी दिनों में, इन दिनों में जितनी चीज़ें बनाऊँगी इस तरह से आप सभी के साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में आप सभी को बिना लहसुन प्याज की सब्जी की रेसिपी दिखा रही हूँ अभी राजमा की, और नवरात्र चल रहा है तो इस समय लहसुन प्याज पड़ नहीं रहा, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर किया जाए। और बर्तन इतना ज्यादा जल रहा था ना कि मैं उसको बहुत कोशिश करी कि पकड़ के एक साथ डाल दूं, लेकिन जब मुझसे नहीं उठा, और गर्मी में तो ऐसे भी बहुत जल्दी ठंडा होता ही नहीं है जैसे बर्तन, तो बस मैंने स्पून लिया, स्पून से डालना शुरू किया। और फ्रेंड्स जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना उसके पहले मैं खा चुकी हूँ, सच में बहुत टेस्टी बनी सब्जी। तो आप सब भी जरूर ट्राई करिएगा, अगर लहसुन प्याज के बिना बनाना है तो बनाइएगा, और कमेंट भी करिएगा। जो लोग पहले से बना चुके हैं वो भी कमेंट करेंगे, जो अब बनाएंगे वो भी कमेंट करेंगे। तो चलिए देखिए मैंने सब डाल दिया, इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। इधर मैंने धनिया की पत्ती काट के रख लिया। तो फ्रेंड्स अभी 7 से 8 मिनट हो चुका है, देखिए अभी ये और थोड़ी देर पकेगा, तो मैं चलिए इसको ढक के रख देती हूँ, तब तक दूसरा काम भी कर लेती हूँ। इसमें और कुछ क्या पड़ने वाला है, ये कसूरी मेथी, इसको मैं भूनती हूँ। तड़का पैन निकाल लिया फ्रेंड्स, उसी में मैंने डाल दिया कसूरी मेथी, और ये थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। 1 स्पून करीब मैंने लिया हुआ है, और गर्म इतना ज्यादा हो रहा फ्रेंड्स, इतना ज्यादा गर्मी हो रही, मैं खाना बनाते बनाते कई बार पानी पी लेती हूँ, मुझे इतनी ज्यादा उलझन होती है, और गर्मी बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। बाल इसलिए मैंने एकदम ऊपर कर रखा, मुझे लगता है ना कि पूरा गर्दन, अच्छा मेरे गर्दन में बहुत मुझे दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों शुरू से ही, और कुछ दिन और होगा तो मैं गले में कुछ पहन नहीं पाती, अभी भी उतार देती हूँ, लेकिन बहुत लोग टोकते हैं कि खाली गला नहीं रखना चाहिए, ये इस वजह से मैं पहन लेती हूँ। तो चलिए देखिए मेरा रोस्ट हो चुका है, अब इसको मैंने रख दिया ठंडा होने के लिए, और ये ठंडा हो जाएगा। देखिए सब्जी मेरी लगभग तैयार हो गई, अब इसमें क्रश करके मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी और गरम मसाला।
तो फ्रेंड्स देखिए इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है और ये गरम मसाला भी डाल दिया, क्लिप पता नहीं कैसे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और अब इसको मैं ढक देती हूँ और गैस कर देती हूँ बंद। सबने की कितना बढ़िया मेरा बिना लहसुन और प्याज की सब्जी बन के रेडी हो गई है और अब मैं आप सबको गार्निश करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखती हूँ ये ब्लॉग बिना थंबनेल का है तो कौन कौन इसको पसंद करता, लाइक और कमेंट करता है। इसके साथ बनने वाला फ्रेंड्स राइस। तो फ्रेंड्स देखिए 10 मिनट बाद सब्जी की रंगत देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है और देखिए। होप करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और इसी के साथ अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। बाय बाय।